अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे मटन फ्राई। उसके लिए हमें चाहिए मटन। ये मटन हड्डी के साथ है। हमने लिया है 500 ग्राम मटन, आधा किलो मटन लिया है। देखिए, हमने कुकर ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मटन। अब हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम डालेंगे इसमें एक पे आधा टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। कलर के लिए हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। अब हम डालेंगे थोड़ी सी कोथमीर और एक हरी मिर्च डालेंगे, आधी आधी तोड़कर डालेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी। अब हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब हम डालेंगे तेल, 4 टेबलस्पून तेल डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम इसमें डालेंगे आधी ग्लास पानी मटन गलने के लिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए, हमने कुकर चूल्हे पर रख लिया है। अब हम हाई फ्लेम पे उबाल आने तक पका लेंगे। देखिए, हाई फ्लेम पे उबाल आ गया है। अब हम लगाएंगे कुकर का ढक्कन मटन गलने के लिए। हाई फ्लेम पे 8 सीटी लगाएंगे, सिम पे 4 सीटी लगाएंगे। देखिए, हाई फ्लेम पे 8 सीटी हो गए हैं, सिम पे 4 सीटी हो गए हैं। मटन अच्छे से गल गया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इस तरीके से भूनते हुए सिम फ्लेम पे 10 मिनट पका लेंगे। अच्छे से फ्राई कर लेंगे मटन को। देखिए, सिम पे 10 मिनट हो गए हैं, मटन अच्छे से भुने गया। अब हम इसमें डालेंगे हरा मसाला, थोड़ी सी कोथमीर और एक हरी मिर्च, उसे आधी आधी तोड़कर डालेंगे। अब हम डालेंगे नींबू, आधा नींबू डालेंगे। देखिए, इस तरीके से अच्छे से निचड़ लीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हाई फ्लेम पे 1 मिनट अच्छे से भून लीजिए। हाई फ्लेम पे 1 मिनट हो गए हैं, मटन फ्राई डिश आउट करने के लिए रेडी है। देखिए, मटन फ्राई डिश आउट हो चुका है। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार बना है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे आप प्याज और नींबू डालकर खाइए, बहुत ही मज़ेदार है। इसे आप खट्टी दाल के साथ बना सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।